तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें लड़ने से मना कर रहा हूँ। इस दुनिया को हमारे लिए छोड़ दो। तुम सब मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्वांटम रोबोट हूँ और इसी तरह जीना पसंद है मुझे। तुम बहुत नादान हो क्वांटम, मुझे तुम्हारे सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तुम बहुत कमजोर रोबोट हो, तुम हार जाओगे। अगर ऐसी बात है तो क्वांटम रोबोट लड़ने के लिए तैयार है। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐसा मत कहो क्वांटम रोबोट, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे लेकर नहीं आते तो किसे लेकर आते? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे क्वांटम। तो फिर शुरू करो हमला। पावर बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें भी कुछ करना होगा। ओके। दो से भले एक, हिम्मत है तो हमला करके देख। तुम तैयार हो? अरे ये तो एक चोचो क्वांटम है। सब खत्म हो गए। हाँ सब खत्म हो गए। मैं हूँ तोरा तोरा रोबोट प्रेसिडेंट, अब देखना मैं क्या करता हूँ। तोरा तोरा प्रेसिडेंट, ये कौन है? ये जरूर उनका लीडर होगा। अरे हाँ, यही तो उनका लीडर है। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मुझे लगता है कि हम इस जंग में जीत नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी हार मत मानो क्वांटम। अब वक्त आ गया है तुम्हें खत्म करने का। रुको। सुनो सेरा, तुम बहुत समय बाद मिले क्वांटम। देखो हमारा बेटा। लेकिन तुमने तो कहा था हमारा कोई बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे इससे बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था क्वांटम। क्वांटम, अब ये कौन है? ये है मेरी पत्नी रोबोट सेरा, और वो जूनियर रोबोट जो उसके पास है वो मेरा बेटा है। कितना प्यारा है ना? अच्छा तो तुमने चुपके चुपके शादी कर ली ताकि मिठाई ना खिलानी पड़े। अरे तुम भी ना। अच्छा तो यहाँ पूरा परिवार है, कोई बात नहीं, सबको खत्म कर दूंगा। सेरा। क्वांटम। दो से भले एक। हाँ, दो से भले एक। हिम्मत है तो हमला करके देख। ये कितना क्यूट है पर थोड़ा भारी है। अब सब ठीक हो जाएगा क्वांटम। क्वांटम, ये क्या है? मुझे माफ करना, ये रोबोट तभी काम करता है जब मैं और सेरा एक साथ होते हैं। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। क्वांटम। उसे छोड़ो, मैं यहाँ हूँ। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। सारी पावर इसकी परवाह नहीं। अब से जूनियर क्वांटम रोबोट की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है
मैं क्वांटम रोबोट से एक बार फिर से जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्त। कितनी बढ़िया कहानी थी। क्वांटम रोबोट को कोई नहीं हरा सकता। क्वांटम रोबोट, जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर का रोबोट है। उसने अपनी जान जोखिम में डाल के धरती की रक्षा की। क्या क्वांटम रोबोट वापस आएगा? देखते रहिए क्वांटम रोबोट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ भी करके किसी भी हालत में इस धरती को उन लोगों से बचाना ही होगा। हाँ। अरे मुझे लगता है धरती पर कोई नया दुश्मन आ गया है, लेकिन ये है कौन? मैं इस धरती पर सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मिडनाइट गैंग आज रात को हमला करेगी और धरती पर कब्जा कर लेगी। देखो जरा ध्यान से निशाना लगाना, समझ गए? हमला। कुछ भी नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करें? जो मुझे परेशान करेगा मैं उसे परेशान कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे क्वांटम रोबोट को मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। जाओ क्वांटम रोबोट। क्वांटम जल्दी करो, क्वांटम रोबोट। अच्छा तो तुम आ गए क्वांटम रोबोट। तुम यहाँ पर मिडनाइट गैंग के अपने साथियों को हरा कर आए हो और आज हम भी तुम्हें उसी तरह से हराने वाले हैं और बदला लेने वाले हैं। ध्यान से क्वांटम, दुश्मन बहुत ताकतवर है। वैसे मुझे एनिमेशन सचमुच बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ तुम्हें भी एनिमेशन पसंद है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ज्यादा देर तक टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। ये लड़का कभी किसी की बात नहीं सुनता। पूरी ताकत से हमला करो। क्वांटम, अब क्वांटम पंच। क्वांटम सचमुच तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे पास कोई अजीब सी ताकत है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही ताकतवर है। हमें डर नहीं क्योंकि हमारे पास क्वांटम है। मिडनाइट रोबोट गैंग दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। कहीं इस लड़ाई में क्वांटम रोबोट को कुछ हो गया तो? क्वांटम रोबोट एक बात सुनो, क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्वांटम रोबोट, मैं आता हूँ। क्वांटम रोबोट तुम्हारा स्वागत करता है। तुम हो? पता नहीं ये एड भी ऐसे ही टाइम पर क्यों शुरू हो जाते हैं। मैम आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं ध्यान से देख नहीं पा रहा। बेटा इस वक्त एड चल रहे हैं, मेरे बात करने से तुम डिस्टर्ब होते हो, और वैसे भी एड के वक्त ब्रेक ले सकते हैं। ये लड़का कभी किसी की नहीं सुनता। मैम मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? क्वांटम रोबोट शुरू हो गया क्या? फिक्र मत करो शिनचैन बेटा, मैंने टीवी को बता दिया था कि शिनचैन बाथरूम में है।
ऐप काफी अजीब है मैम, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? फंटम रोबोट, तुम यहाँ? इसका मतलब क्वांटम रोबोट को चलाने वाला भी क्वांटम रोबोट ही होता है। दरअसल सच्चाई यही है, हम रोबोट्स अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान की आत्मा उसके अंदर होती है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुमने मुझसे ये बात इतने वक्त तक क्यों छुपाए रखी थी? मैंने सोचा सही टाइम आएगा तो तुम्हें बता दूंगा, और अब